इतना फ्लावर जो है बचा हुआ है, मैं मंदिर में ले जाने के लिए रखी हूँ। और प्रेम से बोलो जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, मैंने ही सुनिया जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग भले चले होंगे। श्रेया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ वॉशिंग मशीन के पास, यानी कपड़े धुलना है। ढेर सारे कपड़े इकट्ठे रखो रखे हैं, तो चलिए पहले मशीन में उसको हम डाल देते हैं और ये धुलता रहेगा, तो फिर उसके बाद हम दूसरा काम करेंगे ना। और ये अपना काम करता रहेगा, मैं फिर दूसरा काम करने लगूँगी। और बाकी सारे जो मशीन में कपड़े धुल गए हैं वो सारे कपड़े हम निकाल लेंगे। और फिर से इसमें पहले से पैंट हस्बैंड को डाल लिए थे और ये सूख मतलब धुल गया है, तो इसका पानी निचोड़ निचोड़ के हम यहाँ पर रख लेंगे। थोड़ा सा ब्रश मार के इसको फाइनली हटा देंगे। पॉकेट में थोड़ी सी पानी थी तो मैंने इसको हटा दिया, और फिर उसके बाद हम सारे कपड़े यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इन लोगों के कपड़े में मैं थोड़ा सा ज़्यादा साबुन डालती हूँ, क्योंकि भाई देखिए ऑफिस और कॉलेज जाना रहता है, तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा साबुन डालने के बाद मैं थोड़ा सा आला डाल देती हूँ कपड़े में, जो है फिनिशिंग आ जाता है। और इसमें बहुत मतलब एक तो जो कपड़े भी इधर उधर रहते हैं ना बुझ जाते हैं ना, लाइट भी आ जाता है। तो यहाँ पर बेटे जी का है और टी शर्ट वगैरह, उनका शर्ट और हस्बैंड का जितना भी शर्ट था, और फर्स्ट राइंड में तो पैंट ही पैंट धुला था और इस राइंड में शर्ट दोनों लोगों का डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं मशीन ऑन कर दे रही हूँ, तो मशीन अब चलने लगा है। यहाँ पर आप देख लीजिए जो पैंट के है वो कुछ पैंट कलर छोड़ रहा था। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। मशीन चलता रहेगा जब तक हम रोटी बनाएंगे, और तब तक कपड़ा जो है वॉश हो जाएगा। और उसके बाद मैं वहाँ पे सोच रही हूँ खंगाड़ लूँ। मैं जाने वाली थी मंदिर, लेकिन नहीं, मेरा इत्तेफाक देखिए नहीं बन रहा है। जैसे संयोग होता है ना कि नहीं बन रहा है, देखते हैं कैसे। कपड़े लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में बहुत सारे काम रहते हैं, खाना बनाने के बाद भी, खाना बनाने के पहले भी। तो बस वही मैं किचन में आ गई हूँ कि जो भी काम है वो मैं किचन का ख़त्म कर लूँ। जितने ख़त्म रहेगा ना उतने ठीक रहेगा, क्योंकि कपड़े वगैरह बहुत टाइम लगते हैं। यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा के रख दिया था, तो चावल मेरा बन गया है, आटा भी मैंने तैयार कर दिया है। तो चलिए मैं रोटी बना लेती हूँ जब तक मशीन अपना काम करेगी। देख लीजिए कि आटा जो है तैयार करके मैंने रखा था, तो अब पपड़ी सी बंद गई है, इसको मैं ढक के नहीं रखा था, तो बस थोड़ा सा मुट्ठी मार दूँगी ना, तो ये बच्चे अच्छे से सेट हो जाएगा। मैंने गैस ऑन कर दिया है और इसका फ्लेम मतलब स्लो कर दूँ ताकि तवा हीट ना हो जाए। और उसके बाद मैं फटाक से रोटी बना लूँ। खुला काफ़ी देर लग गया ना, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा ना पपड़ी से बना लिया है। अब सारी पपड़ी को मैंने अंदर कर दिया है ना, तो बड़े सॉफ्ट से रोटी बन जाएगी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।